हेलो फ्रेंड्स, कुमुदनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत ही क्रंची कुरकुरा खस्ता पोहा का नाश्ता बनाया है जो आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसका स्वाद ऐसे ही बरकरार रहेगा। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा ये नाश्ता मैं बना रही हूँ जो आप एनी टाइम अपने घर में बना के रख सकते हैं। दिख रहा है ना, एकदम लाजवाब मुँह में पानी लाने वाला। देखिए कितना खस्ता है ये, फटाक से हाथों में मसला गया। तो आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। मैंने 400 ग्राम पोहा ले लिया है और पोहे को गरम तेल में इस तरीके से छान रही हूँ। फ्रेंड्स छन्नी की मदद से अगर हम छानते हैं ना तो सब तेल आसानी से निकल जाता है और पोहे में से मतलब बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स तो देखिए इसी तरह हम क्या करेंगे, छन्नी में थोड़ा थोड़ा पोहा लेंगे और ऐसे ही हम छान लेंगे। दिख रहा है ना आपको फ्रेंड्स, एकदम आसान रेसिपी है। मैं सच बता रही हूँ, आप ये एनी टाइम बहुत जल्दी से बन भी जाता है। टिफिन लेके जाइए, ट्रॉली में लेके जाइए, चाय के साथ खाइए, मेहमानों को खिलाइए, कभी भी छोटी मोटी भूख के लिए आप ये बना के रख सकते हैं। जो देखिए मैंने ये पोहा को तल लिया था पूरा और थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू और बादाम। इनको थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम तलेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा और ब्राउन हो जाए तब तक तलेंगे। तो अगर आपको पोहे की ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जरूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और ये आसानी से बनने वाला स्नैक्स कभी भी बनाकर आप खा सकते हैं। तो मैंने एक छोटा कप किशमिश भी ले लिया है, किशमिश को भी जब तक थोड़ा सा फूल नहीं जाए तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, और उसमें ऐड कर देंगे। आपके पास अगर मूँगफली है तो मूँगफली भी डालिए, अगर नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए। और थोड़ी सी कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च है जिसको मैंने फ्राई कर लिया, उसको भी हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। जहाँ पे मैं रहती हूँ ना बहुत आवाज़ होता है, कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा चलते ही रहता है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने जो तलना था उतना तल लिया। अब एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक छोटा सा पाउडर चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। और इसमें काश्मीरी मिर्च मैंने 1 चम्मच ऐड किया है कलर के लिए, और थोड़ा सा इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है फ्रेंड्स। जितना आप तीखा वगैरह पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने सेंधा नमक डाला है और 1 चम्मच काला नमक डाला है। इसी से आपका ना जो ये नमकीन है इतना टेस्टी बनेगा सोच नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। इतना कुरकुरा टेस्टी नमकीन बनाना कितना आसान हो सकता है। और आप ये मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 250-300 रुपये किलो ये नमकीन आपको मिलेगी, जो कि आपकी ये नमकीन बहुत कम पैसे में घर में तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसको मिला रही हूँ धीरे धीरे, पूरे मसाले को हर जगह से मिला लेना है फ्रेंड्स। जैसे जैसे मसाला हमारा मिलता है, ये थोड़े गर्म में ही आपको मिलाना है फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद मसाले अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो इस तरह चम्मच की मदद से घुमाते हुए हर जगह से घुमाएँगे। देखिए कितना इसका क्रंची कुरकुरा आवाज़ है, आप देख सकते कितना टेस्टी हमारा ये नमकीन बन चुका है। अब एक प्लेट में मैं परोस रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से कितना टेस्टी कुरकुरा हमारा ये नाश्ता तैयार है। आप घूमने जाइए, लेके जाइए, टिफिन में दीजिए, एनी टाइम ऐसा स्नैक्स बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही क्रंची और कुरकुरा बिना मेहनत का कम एकदम आसान तरीके से बताया है मैंने ये नमकीन। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी जरूर मुझे बताइए। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कीजिए, किस तरह से देख रहे ये बताइए फ्रेंड्स।